अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको कि पोटाशियम सॉर्बेट क्या होता है और ये किन प्रोडक्ट्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कितनी रिकमेंडेड डोज डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और ये सेफ है कि नहीं सेफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पोटाशियम सॉर्बेट के लिए जो ई कोड यूज़ होता है E202, ये आप अगर लेबल पे देखें जिसमें पोटाशियम सॉर्बेट किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर यूज़ हुआ होगा तो अगर आप लेबल देखें तो उस पर कोटिंग हुई होगी E202, तो इससे आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये पोटाशियम सॉर्बेट है। और बेसिकली ये एक फूड प्रिजर्वेटिव है या केमिकल प्रिजर्वेटिव भी कहते हैं इसको। और बेसिकली ये करता क्या है कि ये मोल्ड और यीस्ट की जो ग्रोथ है उनको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से यानी किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और बेसिकली ये पोटाशियम साल्ट है सॉर्बिक एसिड का, और इसका एक एक फ़ायदा ये भी है कि ये ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होती, और मोस्टली ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है जैसे तस्वीर में दिया हुआ है, या फिर पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है जैसे ये आप देख सकते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है और क्रिस्टल फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। और बनता कैसे है, बेसिकली ये नेचुरली तौर पे भी नेचर के अंदर मुख्तलिफ फ्रूट्स वेजिटेबल में पाया जाता है, जैसे यानी ये माउंटेन ऐश ट्री है, बेरीज ऑफ द माउंटेन ऐश ट्री, इससे भी ये नेचुरली तौर पर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है और बहुत कॉमन यूज़ होता है, तो इसलिए इसको सिंथेटिकली हम प्रोड्यूस करते हैं। जब सॉर्बिक एसिड कंबाइन करता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से तो फिर ये पोटाशियम सॉर्बेट बनता है। तो बेसिकली ये केमिकल प्रिजर्वेटिव है, सिंथेटिकली यानी प्रोड्यूस होता है, नेचुरली भी यानी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ जाता है मुक्ति प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसको सिंथेटिकली यानी प्रोड्यूस करते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि जब ये प्रोडक्ट के अंदर किसी प्रोडक्ट के अंदर ऐड करते हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी ना उसके टेस्ट को इफेक्ट करता है, ना स्मेल को, ना फ्लेवर को, और ना उसकी अपीयरेंस को। तो इसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर प्रिजर्वेटिव है पूरी दुनिया के अंदर फूड प्रिजर्वेशन के लिए ना। और ये इजिली वाटर के अंदर सोलीबल है, इजिली यानी सोलीबल हो जाता है, पानी के अंदर हल हो जाता है। और रूम टेम्परेचर अगर 28-25 डिग्री हो पानी का टेम्परेचर, उस पानी के अंदर आप यानी इसको हल करें तो इजिली यानी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये इसकी यानी जो सॉलिबिलिटी है वो बड़ी ईजी है, कोई मसला नहीं इसमें। और इसमें एक बड़ी यानी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पीएच, अगर किसी प्रोडक्ट की जो आपने बनाई है उसकी पीएच यानी मैक्सिमम 6.5 भी है तो उसमें भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। मोस्टली जैसे हमने सोडियम, मैंने पहली वीडियो बनाई सोडियम बेंजोएट के बारे में, पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड के बारे में, वो मोस्टली यानी जो एसिडिक पीएच है उस पर यानी फंक्शन करते हैं। लेकिन यानी ये जो पोटाशियम सॉर्बेट है ये 6.5 पे भी पीएच हो अगर आपके प्रोडक्ट की तो उसमें भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो रिकमेंडेड है इसके लिए अगर पीएच 4 है या 4.5 है उस पर मैक्सिमम रिजल्ट देता है, लेकिन 6.5 पे भी ये इफेक्टिव है यानी ये काम करता है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको ये किन प्रोडक्ट के अंदर यानी हम इसको यूज़ करते हैं। मोस्टली यानी प्री कुक्ड फूड में जो स्टोर है रूम टेम्परेचर, जो प्री कुक्ड फूड होते हैं उनको स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनमें यूज़ होता है। और इसके अलावा जो कैंड वेजिटेबल है, जो कैनिंग के जरिए हम मुख्तलिफ कैंस के अंदर प्रिजर्व करते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, उनके अंदर भी यूज़ होता है। ऐसे देयर्स है आपके ड्राइड मीट, उसके अंदर भी यूज़ होता है। कैंड फिश जो कैनिंग करते हैं फिश की, उसके अंदर भी यूज़ होता है। और बहुत सी बेक प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम पोटाशियम सॉर्बेट को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। और ये मोस्टली जहाँ पे यानी मोल्ड का ग्रोथ का खतरा होता है उन फूड के अंदर ये बहुत यूज़ होता है, जैसे आइसक्रीम है और योगर्ट एंड चीज़ है, इनके अंदर ये यानी बेस्ट प्रिजर्वेटिव है इन प्रोडक्ट्स के लिए ना। तो मोस्टली यानी इन प्रोडक्ट के अंदर ये यूज़ करते हैं, इन प्रोडक्ट के अंदर मोल्ड की ग्रोथ का बहुत इश्यू होता है, तो हम मोस्टली यानी इनमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रेश फूड यानी सीवल अदर फूड विच आर नॉट फ्रेश आल्सो रिले ऑन पोटाशियम सॉर्बेट नॉट टू कीप देम फ्रॉम स्पाइलिंग, यानी जो फ्रेश नहीं होते फूड उनके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं पोटाशियम सॉर्बेट ताकि उसकी स्पाइलिंग ना हो। और पोटाशियम सॉर्बेट इज कमर्शियल फूड, इन कमर्शियल फूड इज वेरी कॉमन, यानी मोस्टली यानी जो फूड है ना अगर आप देखें अक्सर फूड्स के अंदर प्रिजर्वेशन के लिए हम पोटाशियम सॉर्बेट यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। हमें इसके कुछ हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई यानी आपकी आंखों में चले जाता है ये पोटाशियम सॉर्बेट तो इससे क्या होगा कि आपकी आंखों में यानी एक जलन सी महसूस होगी और डैमेज होने का खतरा भी आपकी आंखों का ना। और अगर स्किन पे गिर जाता है तो कुछ आपको इरीटेशन सी होगी स्किन के ऊपर या रेड से स्पॉट्स बन जाएंगे,
और बाज़ दफ़ा यानी अगर आपको इनहेल कर लेते हैं रॉ फॉर्म में इसको, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर कहीं ऐसा हो कि आपको अनप्रोसेस फॉर्म में जो क्रश सॉर्बेट किया या रॉ फॉर्म में आप एक्सपोज हो जाए उससे, तो फौरन अपने किसी मेडिकल डॉक्टर से रिव्यू करें। और अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो कोशिश करें 15 मिनट के लिए आंखों में पानी डालते रहे रनिंग वाटर से, ताकि ये इजली आपकी आंखों से रिमूव हो जाए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम किन प्रोडक्ट्स के अंदर हम कितनी डोज यानी पोटाशियम सॉर्बेट की यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ चार्ट है, ये मैंने नेट से मैंने डाउनलोड किया, तो ये बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स वाइज, जैसे मीट फिश एग पोल्ट्री में ये 0.075 ग्राम यानी पर केजी के हिसाब से ना, या पर लीटर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो पर लीटर, अगर केजी में है तो पर केजी, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फिश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल्स कार्बोनेटेड बेवरेज के अंदर 0.2 ग्राम है, और ऐसे डिफरेंट यानी फ्रूट जूसेस के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर, प्रिजर्व्स के अंदर ये 0.5 ग्राम है। ऐसे फूड प्लास्टिक बॉटल जूस कंसनट्रेट के अंदर 2 ग्राम है। ऐसे हम कैंडीज के अंदर, पेस्ट्री ब्रेड बेकिंग जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी उनके अंदर भी हम 1 ग्राम पर के जी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फ्रूट जूसेस के अंदर 0.5 ग्राम है। ऐसे प्री कॉकटेल जो होते हैं आपके उसमें 0.2 ग्राम, ऐसे मीट के अंदर 1.5 ग्राम, और ऐसे जो सीजनिंग है आपकी फ्लेवरिंग सीरप्स है, लिक्विड कंपोजिशन कंपाउंड सीजनिंग है, इंस्टेंट ड्राइड पाउडर वगैरह यानी उनके अंदर भी आप 1 ग्राम पर के जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि पोटाशियम सॉर्बेट सेव है कि नहीं, जैसे जनरली रिकॉग्नाइज है सेव। तो बेसिकली जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इसको ग्रास का दिया है, लेबल किया है कि ये जनरली रिकॉग्नाइज है सेव है। ठीक हो गया। और FDA ने ये भी यानी बताया हमें कि पोटाशियम सॉर्बेट जो 1.1% यानी 1 ग्राम पर लीटर ये मैक्सिमम लिमिट है, जिसमें इसके साइड इफेक्ट नहीं होते या ये नुकसानदेह नहीं होता इंसान सेहत के लिए। यानी 1 ग्राम में यानी 1 ग्राम पर लीटर आप यूज़ कर सकते हैं, 0.1% यानी इसको कहते हैं। और WHO ने यानी जो इसकी एक्सेप्टेबल डेली इनटेक लिखी है वो पोटाशियम सॉर्बेट की, वो 25 मिलीग्राम पर के जी ऑफ बॉडी वेट, जितना आपकी बॉडी का वेट है उसके मुताबिक 25 मिलीग्राम। तो कोशिश करें कि जिन आप यानी कोई भी प्रोसेस फूड यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें उसके लेबल पे पढ़ लें कि यानी ये इसमें पोटाशियम सॉर्बेट यूज़ तो नहीं हुआ। अगर तो आप यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस फूड यूज़ करते हैं तो अक्सर प्रोसेस फूड के अंदर यानी यूज़ होता है, तो कोशिश करें कि उन प्रोसेस फूड से अवॉइड करें, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये आपकी बॉडी को नुकसान देगा। और ये सेफ क्यों है, इसकी वजह क्या है कि ये बॉडी के अंदर एकोमिलेट नहीं होता यानी जमा नहीं होता, और ये यानी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड में बॉडी से निकल जाता है, तो ये भी इसकी वजह से यानी ये जनरली रिकॉग्नाइज है सेफ है। तो आज मैंने आपको पोटाशियम सॉर्बेट के बारे में बताया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले भी मैंने इस पर लेक्चर बनाया काफ़ी, जैसे सोडियम बेंजोएट पे बनाया, ऐसे पोटाशियम मेटाबॉलाइट सल्फाइड पे बनाया, ऐसे इमल्सीफाइड पे बनाया, तो मैं आपको उतना बताता हूँ जितना आपके लिए यानी ना ये याद रखना भी ईजी है और समझना भी ईजी है। बाकी तो आप डिटेल में यानी गूगल के ऊपर सर्च करके या मुख्तलिफ सर्च पे पढ़ के अभी इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मज़ीद भी इस पर वीडियो बनाता रहूँगा इन किस्म के प्रिजर्वेटिव्स पे, ताकि इतना ही आपको यानी इसके बारे में आपको गाइड करूँ या इसके बारे में वीडियो बनाऊँ कि जितना आपको आसानी से समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।